यहाँ पर शिवम त्यागी आपसे रिएक्शन लेना चाहूंगा। भ्रष्टाचार दिखाई पड़ रहा हूँ, नहीं दिखाई पड़ता, क्योंकि बीजेपी के एक प्रवक्ता का बयान सामने आया, आदर्श पे कहाँ चल रही है, प्रवक्ता का बयान सामने आया, उनका कहना है कि अगर ऐसा हो रहा है तो गलत क्या है, यूपी सरकार पर्यटन को बढ़ावा भी दे रही है, इससे भी पर्यटन को फायदा होगा। मतलब करोड़ों लोगों की आस्था आपके लिए ये पर्यटन को बढ़ावा, इस तरह के इवेंट आज आप जादू करा रहे हैं, कल को कुछ और इवेंट भी कराएंगे, बोलेंगे ये भी संस्कृति और पर्यटन का हिस्सा है। मर्यादा पुरुषोत्तम, भगवान श्री राम इस देश की संस्कृति में है और चाहे शबरी हो चाहे निषादराज सबके साथ हैं। मैं ऐसा मानता हूं कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के चरणों में, मंदिर में, घर में जो भी कोई अपनी कला का प्रदर्शन करेगा अनुमति के साथ, भगवान उसको बहुत 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 बेहतर जीवन और कला से नवाजेंगे, ऐसा मैं मानता हूं। दूसरी बात, जिन लोगों को आज दर्द है, जिन लोगों को आज दुख है, सम्मान सबका है, मैं कहता हूं हर किसी की अपनी राय है, लेकिन इन लोगों को दुख तब क्यों नहीं हुआ जब 26 साल में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का टेंट सिर्फ दो बार बदला गया। ये जो बाबरी वाले अनुराग भदौरिया बैठे हैं, ये मुझे श्री राम का पाठ पढ़ा रहे हैं, श्री राम के आदर्शों का पाठ पढ़ा रहे हैं, जब उस बाबरी मस्जिद की आड़ में दीवार के नीचे बैठा होता था समाजवादी, तब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के, प्लीज बीच में नहीं, मैं बीच में नहीं बोला, हम चिल्ला चिल्ली नहीं, बड़ा सीरियस डिबेट है, प्लीज आप इनको कहिए ना, नहीं यहाँ पर, नहीं यहाँ पर नहीं, ये इनका ब्लॉग प्रूव कभी एक वो आप उससे राइफल की बट से लोगों को पीटता दिख रहा है, देखे टीवी पर भी वही शुरू कर दिया, बीच में नहीं बोल रहे थे, आप लोग दीजिए, मैं कोई लाभ मैं बोलूंगा नहीं, क्योंकि मैं उनके बीच में बोला नहीं, इस बात से कोई लाभ थोड़ी ना, वो टाइम किल करेंगे, उसके बाद आप कह देंगे दूसरे के बात कंटिन्यू, लेकिन ऐसी बात हो ही नहीं सकती, वो अपनी जबान बंद क्यों नहीं रख सकते, मैं अपनी बात कंटिन्यू रखूं, वो अपनी जबान बंद नहीं रखे, तब आपने उसमें नहीं कुछ बोला, दीजिए कोई लाभ नहीं, इस बात में चाहता ही नहीं ऐसा, हमें हराया है श्री राम के मामले में, ऐसे राक्षसी प्रवृत्ति का कोई काम नहीं है भाई, ये तो राक्षसी कार्य हो गया ना भाई, प्लीज आप इनको रोक दीजिए, मेरी आपसे विनती है, मैं नहीं बोलना चाहता ऐसे, हम उनके आदर्शों, प्लीज आदर्श आदर्श मत बताइए, बाबरी वाले आदर्श बताएंगे क्या हमें, बाबरी बनाने का वादा करने वाले आदर्श बताएंगे हमें, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का चुप रहिए, लेकिन नहीं बोलना चाहता, मुझे मेरा समय दिलवा दीजिए, वो चाहते हैं, ये उनका स्ट्रेटजी है, प्रभुराम तो हमेशा सम्मान मेरा सम्मान की बात करते थे, लेकिन आपकी सरकार में महिलाओं को घसीटा गया, पहलवान महिलाओं को भी घसीटा गया, अपनी बात रख दी, प्रभुराम तो हमेशा महिलाओं को सम्मान करते थे, अपना पॉइंट रख दिया, एक सेकंड की बेटी के साथ मेहमानों को भी बोलने का मौका दे, हतरक जैसी घटना हो जाती है, आप ये बताइए समझ में आई, जैसी घटना हुई, बीएचयू जैसी घटना हुई, तब कहां थे आप, मैं जानना चाहता हूं तब कहां थे, अरे पीसीआर स्टेप रिकॉर्डर को बंद कर दो भाई, प्रोग्राम ने आपको हराया है, अपना आशीर्वाद हटाया है आपके ऊपर, ठीक है, ओके 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 ठीक है, आप क्यों, आपने अपनी बात रख दी, एक सेकंड सुन तो लीजिए, थैंक यू, अब दूसरे अब दूसरे उस पर जाते हैं, इनको हराया, प्लीज आप इनको रोक दीजिए, कोई लाभ नहीं है इस बात का, कोई लाभ नहीं है, हराया हराया हार गए वो, अब जरा टॉपिक पर आइए जी, शिवम शिवम, अरे थैंक यू, अरे शिवम बोलिए, अरे हरियाली भैया हार गए, अब बोलने तो दो कम से कम, चिल्ला चिल्ली क्यों मचा रहा, रोकिए आप इनको, कोई लाभ नहीं है इस बात का, मैं नहीं चाहता ऐसे, थैंक यू, अब मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, दूसरा स्पिरिचुअल टूरिज्म, प्लीज बीच में मत बोलो भाई, इनके हाथ में कोई बैंड बाजा ही दे दो, मैं गाना शुरू कर देता हूँ, कम से कम म्यूजिक तो मिलेगा, रोक नहीं, कोई लाभ नहीं, थैंक यू, टाइम बर्बाद कर रहे हो, शुरुआत के 10 सेकंड में आपने इनको बंद कर दिया, भैंसो चुपचाप सुनते रहे, थैंक यू, अब स्पिरिचुअल टूरिज्म पर आते हैं, स्पिरिचुअल टूरिज्म इस देश की एक बहुत महत्वपूर्ण विरासत है, और मैं ऐसा मानता हूं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का चाहे मंदिर हो, चाहे मां का लोक का विषय रहा हो, चाहे काशी विश्वनाथ का रहा हो, स्पिरिचुअल टूरिज्म इस देश में होना ही चाहिए, धार्मिक पर्यटन को जितना बढ़ावा मिलेगा सनातन संस्कृति उतना ही इस देश और दुनिया में बढ़ेगी, तो हम कन्वर्जन में विश्वास ना रखते हैं, लेकिन हमारी धार्मिक पर्यटन के लिए आप प्रभु श्री राम के मंदिर को आपने क्यों चुना, प्रभु श्री राम आपको अगर ये इवेंट करना था, ये मैजिकल शो करना था, कहीं और कर लेते, चुना क्या, मैं तो एक चीज कहता हूं, किसी भी धार्मिक पर्यटन का विषय रहा हो, चाहे काशी विश्वनाथ का हो, चाहे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के मंदिर का हो, चाहे महाकाल लोक का हो, अगर इनका डेटा आप उठाकर देखेंगे तो 2014 के बाद ही लोग वहां पर डबल दो गुना तीन गुना जाने लगे, एग्जांपल देता हूं आपको, इस देश में सब लोग घूमने भी जाते हैं और मंदिर भी जाते हैं, थोड़ा समय दीजिएगा, इसी देश में गोवा है, अगर मैं बात करूं 2022 की, तो काशी विश्वनाथ में गोवा से ज्यादा लोग गए हैं धार्मिक पर्यटन के लिए, अगर वो बाबा विश्वनाथ के धाम जाते हैं, वहां पर मत्था टिकाते हैं, तो मैं तो मानता हूं ये तो देश के लिए बेहतर ही है, 2019 में अयोध्या में 5 लाख लोग गए थे, आज अगर मैं बात करूं तो 5 करोड़ 60 लाख लोग चले गए, रुक जाइए 10 थोड़ा और दो दीजिए, महाकाल लोक में डेली 20 से 25 हजार लोग जाते थे,
जब से महाकाल लोक का निर्माण हुआ उसके बाद वहां पर अगर मैं बात करूं तो 90 अच्छी बात है, तो ये बढ़ावा होना चाहिए भाई। और ये बढ़ावा होगा कॉरिडोर का निर्माण हुआ, घर बैठ के नहीं होगा, कॉरिडोर का निर्माण हुआ, सुविधाएं बेहतर हुई, ये जो राम का ज्ञान मुझे देने समाजवादी वाले इनके समय में नहीं हुआ। ये तो ले जाके आदमी को पटक देते थे कि ताजमहल चले जाइए, बात मकबरा जाइए, बस ठीक है। विवेक भाई यार गए, नहीं भाई राम मंदिर जाइए, काशी विश्वनाथ जाइए, महाकाल लोक जाइए, सोमनाथ जाइए, बाबरी बाबरी मत करिए, प्रभु राम ने 240 सीटें दी और आपको क्या विपक्ष में बैठिए, चलिए विपक्ष में बैठिए, प्रभु श्री राम ने तो कहा हमें 240 सीटें भाजपा को दी और 205 एनडीए को दी, प्रभु श्री राम का आशीर्वाद हमें मिला, आपको कहा मिला, तो विपक्ष में पड़े अभी बोल रहे हैं, उनको नहीं रोक पा रहे, बोल रहे हैं उनको बोलने दीजिए, मेरा सवाल सीधा करोड़ों हिंदू इनके मन में भी एक सवाल है, आप कह रहे हैं पर्यटन पर्यटन सुधर जाओ, पर्यटन सर आपके लिए होगा, एक सेकंड शिवम जी सुन तो मैं नहीं नहीं सकता, वो चिल्ला रहे हैं, आप बोलिए सवाल का जवाब, धर्म और आस्था सुधर जाओ, धर्म और आस्था को पर्यटन के साथ भाल में मत, प्रभु के आचरण को अपनाओ, मैं बोलूं बिल्कुल, थैंक यू, क्योंकि ये यहां पर नहीं, आप कह रहे हैं कि पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, यहां भक्त खुद ब खुद खींचे चले आते हैं प्रभु श्री राम की एक झलक पाने के लिए, उसके लिए ऐसे इवेंट की आवश्यकता नहीं है। 2019 से पहले कितने भक्त आते थे बताइए जरा एक बार, कॉरिडोर बनना अलग चीज, कितने आए थे कॉरिडोर बनना, तो श्री राम मंदिर की बात कर रहा हूं भाई, आप विषय को अलग कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं आप वहां पर मेडिकल शो में आज इतने पर्यटक आते हैं, 2019 से पहले आते थे क्या, भक्त बढ़ जाएंगे, काशी विश्वनाथ में आते थे क्या, भक्त महाकाल लोक में आते थे क्या, जो प्रभु श्री राम धार्मिक लोगों ने सरकार ने काम किया है तो क्रेडिट दीजिए उसका, एक इवेंट का मोहताज है, बिल्कुल इवेंट का मोहताज नहीं है, लेकिन धर्म को बढ़ाने के लिए, उसकी ध्वजा बढ़ाने के लिए, सनातन को पूरे विश्व में ले जाने के लिए अगर किसी को कोई भी काम करना पड़ेगा तो मैं सबसे पहले कौन सा काम करना पड़ेगा ये बताइए, और कौन कौन सा इवेंट, कोई इवेंट नहीं, मैं तो नहीं बताइए कुछ भी, कौन-कौन से इवेंट, कुछ भी, मंदिर परिसर के अंदर मर्यादा में रहते हुए कुछ भी अच्छा कार्य, मैं कहता हूं अगर इस देश में और इस दुनिया में हमारी संस्कृति को लेकर जाता है तो लेकर जाना चाहिए, और जो लोग कहते हैं कि इसको इवेंट की आवश्यकता नहीं है वो लोग महाकाल लोक में कितने लोग आते थे, महाकाल लोक बनने से पहले, काशी विश्वनाथ में काशी कॉरिडोर बनने से पहले, श्रीराम मंदिर बनने से पहले, वो निकाल ले और देख, वो साफ साफ कह रहे हैं करोड़ों हिंदुओं की आस्था का मजाक बनाया जा रहा है, करोड़ों हिंदुओं की आस्था का सम्मान बलिदान दिया, हमने किया है बलिदान दिया, हमने किया है बलिदान का मजाक बनाया जा रहा है, माथे पर गोली खाई है उस संस्कृति के लिए, हमें मत बताइए माथे पर, पॉइंट ब्लैंक पर, ये समाजवादी वाले जो बावरी बोल रहे हैं इन्होंने माथे पर गोली मारी हमारे छाती पर, शिवम जी रेत का बोरा छाती पर बांध कर सरयू में डुबा दिया हमें, आप हमें बताएंगे संस्कृति क्या होती है, गजब है भाई, ये सवाल जो साधु संत राम आप कह रहे हैं, नहीं नहीं मैं तो आपको साधु संत थमा रहे हैं भाई, हमारा परिवार है वो उनकी वजह से, परिवार की बात क्यों, ये देश उनकी वजह से, परिवार की बात क्यों, मैं क्या करूं, लेकिन परिवार में ही दो लोगों की दो अलग राय हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, लेकिन मैं समाजवादी वाले को कह रहा हूं जो ये बाबरी वाले हैं, ये माथे पर गोली मारने वाले हमें बताएंगे संस्कृति क्या चीज होती है, इन लोगों को श्रीराम का नाम नहीं लिया जाता, पांच पांच जनरेशन बीत गए इनके श्रीराम मंदिर जाकर आशीर्वाद तो ले नहीं पाए, मैं विवेक जी, मैं विवेक जी शामिल कर रहा हूं, विवेक जी।